जो बर्तन बनाने वाला कुम्हार होता है वो बर्तनों को बना के ठुकाई करता है, ठक ठक ठक, उसको ठठेरा कहते हैं। सारा दिन उसका ये धंधा है। और इसको बेहतर क्या है? अरे जो धंधा सारा दिन करेंगे उसी में बुद्धि लगी रहेगी। दुनियावी धंधे हैं धूल झोंकने वाले, ईश्वरीय धंधा तो आत्माभिमानी बनाने वाला है। धूल दे अभिमान को कहा जाता है। दूसरे विश्व महायुद्ध में हिटलर ने जूस को कम से कम 1 मिलियन जूस को उसने गैस चैम्बर में डाल कर हिटलर ने गैस चैम्बर में एक कम से कम 1 मिलियन जूस को उसने मारा था, उसका यहाँ बेहद होगा। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 42 से 45 के बीच में, ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में भी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, ब्राह्मणों की दुनिया का द्वितीय विश्व युद्ध जिसमें प्रजापिता सहित सारे ही सूर्यवंशी हीरो क्षमा के मारे गए थे। वो हीरों की क्षमा थी, माला सारी ही टूट गई क्योंकि पहले ज्ञान नहीं था, अभी तो भरपूर ज्ञान है, टूटने का सवाल नहीं है। कच्चे पक्के होंगे तो टूट जाएंगे। और हाँ, एक में कहा गया है कि सबसे ज्यादा कर्मी 5 और 1967 की मूवी में है, बताया गया है कि सबसे ज्यादा खातरी माया की होती है, मम्मा की नहीं कुमार का की होती है, तो इसका गलत भी क्या अर्थ होगा? यहाँ माया को बेटी कहा जाता है, बेटी और बेटा और पत्नी। सदाकाल घर में कौन रहेगा और थोड़े टाइम घर में कौन रहेगा? हैं? बेटी थोड़े टाइम रहेगी और माया बेटी के साथ है रावण। कोई खास काम होता है, कोई खास उत्सव होता है तो बेटियों को बुलाया जाता है, तो उनको मान्य पक्ष माना जाता है या नीचा माना समझते हैं? मान्य पक्ष समझते हैं, तो उनकी खास खातरी करनी पड़े। और माया बेटी तो है ही श्रीमत पर चलने वाली, उसको खास धंधा मिला हुआ है जो बड़ी मुस्तैदी से काम करती है। क्या? जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते उनको खूब फटकाओ। तो ये काम करने में माया बड़ी उस्ताद है, तो उसकी खातरी नहीं करेंगे? बाप को तो श्रीमत पर ही विश्व की बादशाही स्थापन करनी है। नई दुनिया स्थापन करने का आधार क्या है? श्रीमत। तो श्रीमत को पालन कराने के लिए माया निमित्त बनती है। पत का नाम आना बाबा।
भटकाना, भटकाना माने परेशान करना। बाबा जी, अंत में प्रजापिता को प्रजापति कहा जाता है, लेकिन 1939, 1940 और 1942 के कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने प्रजापति का नाम यूज किया हुआ है। 1939, 1940, 1942 के ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट हैं जहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी प्रजापति का नाम यूज किया हुआ है, प्रजापति ब्रह्मा कुमारी करके लिखा हुआ है। 59 में तो प्रजापति शब्द ही नहीं था बाबा, मैं 39 की बात कर रहा, 39, 40 और 42 में ये वाक्य यूज किया गया है। मुरलियों की बात करो, बाहर की दुनिया की बात नहीं करो। हम बाप की पढ़ाई पढ़ते हैं, दुनिया क्या लिखती है, क्या करती है, क्या एडवर्टाइजमेंट करती है, दुनिया की रीति रस्म रिवाज अलग। बाप ने, मम्मा ने जब से शरीर छोड़ा है तब से ये पढ़ाई पढ़ाना शुरू किया कि तुम बच्चे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय लिखते हो, अपने को ब्रह्मा कुमारी कहते हो, ये रंग है, तुमको लिखना चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। तुमको अपने नाम से पहले सरनेम लगाना चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। पहले पिता होता है या पति होता है? षष्ठी, जब नई षष्ठी बनती है तो पहले कौन होता है? पहले पिता होता है। वो ही पिता जो आदि में पिता है, सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों का पिता। जब विश्व की बादशाही स्थापन हो जाती है तो विश्वपति कहा जाता है, उस विश्वपति का ही यह परिणाम शास्त्रों में प्रजापति कहा गया है। शास्त्रों में जो गायन पूजन यादगार है वो अंतिम समय की संपन्नता के यादगार है या अधूरे पुरुषार्थ की यादगार है? संपन्न स्टेज का यादगार है। तो अंत में प्रत्यक्ष होगा प्रजापति। और दुनिया में, दुनियावी लोगों ने जो कुछ भी लिखा है लिटरेचर में वो शास्त्रों की बुद्धि है उनकी, तो शास्त्र बुद्धि के आधार पर उन्होंने लिख दिया है प्रजापति। वो नहीं समझते हैं कि प्रजापति पहले होता है या बाद में होता है। उनके साथ पहले जो यज्ञ में था वो सभी का नाम सभी लिया है, जितना कुमार था जितना। किसने लिया है? शिव बाबा ने मुरलियों में लिया है या मनुष्यों ने लिया है? वो इंटरनेट में वो लोग दिया है। शिव बाबा ने वो नाम ब्रह्मा मुख से बोला है? नहीं नहीं, शिव बाबा ने या मनुष्यों ने बोला है? मनुष्यों ने, मनुष्यों को जानकारी नहीं है कि प्रजापति कब होता है। उन्हें अगर ये पता हो कि आज में तो पिता की जरूरत है, आज में पति नहीं होता है, अंत में जाके विश्वपति बनता है। दुनिया वालों को तो शास्त्रों की जानकारी है, शास्त्रों में प्रजापति शब्द आया है तो उन्होंने भी प्रजापति लिख दिया। जैसा भक्ति मार्ग का गीता शुरू किया है, है। तो बाबा ये भी बोलते हैं ना, चपन जैसा शुरू से ही गोभी घाट शुरू हुआ। हाँ जी, तो ये पॉइंट से उसको ताल्लुक नहीं है क्या? प्रजापति का तो वो तो शुरुआत है, विश्वपति की थोड़ी ही बात है। शुरुआत में ही विश्वपति हो जाएगा? विश्वपति तो तब कहा जाए जब सारा विश्व उसको पति समझ ले, पतियों का भी पति हूँ। अभी तो समझाते हैं कि तुम्हारे पतियों का भी पति आया हुआ है, एक जन्म में स्त्री, एक जन्म में पुरुष। जिस जन्म में स्त्री बने उस जन्म में जो भी तुम्हारा पति बना उस पति का भी ये पति है। इस बात की जानकारी औरों को नहीं है, हम बच्चों को इस बात की जानकारी हो जाती है।
तुम्हारी पतियों को भी कंट्रोल करने वाला पति है, पति माने रक्षक, कंट्रोलर। और बाबा आदि में जब ब्रह्मा बाबा क्लास करवाते थे, आदि में जब बाबा जब क्लास कराते थे या जब बच्चों का जब वार्तालाप या कुछ करते थे, क्या ऐसा होता था कि शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा किसी और के तन में प्रवेश करवाते थे और बच्चों को दिखलाते थे कि देखो ये सही में भगवान का ही कार्य चल रहा है, ये मेरे मुख का कोई मेरा कोई ड्रामा नहीं है इसमें? शिव बाप एक व्यापी है या सर्वव्यापी है? फिर अगर औरों में भी शिव प्रवेश करता है बाप के रूप में तो सर्वव्यापी बाप हो गया। ये तो कथा कहानियां लिख मारी है मनुष्यों ने। और हिंदी इंटरनेशनल लैंग्वेज करता है। जब सारे विश्व में सभी धर्मों में ये क्रांति हो जाए, उस क्रांति का रिजल्ट आने लगे कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे सभी ढहने लगे, सभी टूटने लग पड़े, ऐसी जब क्रांति हो जाएगी उस समय चारों ओर हिंदी का ही बोलबाला हो जाएगा। क्या ऐसी बात नहीं है? अंग्रेजी तो दुनिया में आज भी दूसरे नंबर की भाषा है ईश्वरीय ज्ञान के हिसाब से। हम ब्राह्मण फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं ईश्वर की भाषा को, और सेकंड प्रेफरेंस देते हैं जो विश्व में फैली हुई भाषा है उसको। बाबा अभी हर एक स्टेट में अपने अपने राष्ट्रभाषा के पर उसका मुख्य शासन करते हैं। अभी हर एक स्टेट में जैसा तमिलनाडु में अभी तमिल भाषा बोलते हैं, वैसे कर्नाटक में कर्नाटक ही उत्तम समझते हैं भले उत्तम, लेकिन फिर भी हिंदी तीव्र गति से फैलती जा रही है या रुक रही है? तीव्र गति से फैलती जा रही है। लेकिन वो बोलते हैं वही श्रेष्ठ बन गए। बोलने से की बात नहीं है, रिजल्ट क्या निकल रहा है? हिंदुस्तान में हिंदी का प्रभाव बढ़ रहा है या घट रहा है? हैं? बढ़ रहा है। जो स्टेट हिंदी नहीं बोलते बाबा, जो मद्रास में हिंदी बात ही नहीं करते बोल पाते, अब वो सभी स्टेट्स एक जैसे रहेंगे या नंबर वार रहेंगे? तो नंबर वार में तमिलनाडु भी है। नहीं, वो भी अंत में हिंदी बोलने देते हैं। अंत में जाकर के सारा तमिलनाडु हिंदी ही बोलेगा फिर। छत्तीस नहीं 33 करोड़ 33 करोड़ हाँ देवता है आते हैं के अंत। हाँ जी, हाँ जी। और उनमें 10 करोड़ देवता के अंत तक आ जाते हैं। हाँ जी। और वो तो कन्वर्ट हो जाते हैं, वो कन्वर्ट होने वाले हैं। हाँ, 10 करोड़ जो है कन्वर्ट होने वाले हैं, वो और धर्मों में कन्वर्ट भी होते हैं। पूरा 10 करोड़ का होता है, 9 करोड़ होता है, 4.5 लाख को छोड़कर। कोई नहीं छोड़ते, जो 4.5 लाख है वो इस जन्म में कन्वर्ट नहीं होते, अगले जन्म में दूसरे धर्म में जन्म ले लेते हैं पर कन्वर्ट नहीं हो। हाँ जी। पर जो बाकी जो आते हैं ना बाबा, 23 करोड़ जो द्वापर और कलयुग में 23 करोड़ देव आत्माएं उतरती है वो कन्वर्ट होने वाले हैं या? वो भी कन्वर्ट होते हैं, वो भी कन्वर्ट होते हैं। उसी जन्म में होते हैं या ये कोई जरूरी नहीं, उसी जन्म में क्यों कन्वर्ट होंगे? सत्व प्रधानता में कन्वर्शन होता है,
या जब रजो प्रधान होते हैं तब कन्वर्शन होता है। कन्वर्शन तो होता ही तब है जब विरोधी बन जाते हैं। और बाबा हमारा हिंदुस्तान में हिंदुओं का पॉपुलेशन 33% से भी ज्यादा है। दूसरे दूसरे धर्म के नहीं घुसे पड़े जो और धर्म के पक्के हैं वो भी तो घुसे पड़े हैं। हाँ, अरे 33 करोड़ तो सारे विश्व में फैले हुए कन्वर्ट होकर के। कौन से 33 करोड़ से भी ऊपर जो है हिंदू, बता तो दिया। दूसरे दूसरे धर्म के जो पक्के हैं वो भी तो भारत में घुसे पड़े हैं हिंदू बनकर। हाँ जी, नहीं हिंदू बनकर के नहीं, जो अपने धर्म के पक्के हैं कभी कन्वर्ट होते ही नहीं वो भी घुसे पड़े हैं। नहीं हाँ? अभी भारत का अभी का जो अभी दिल्ली में देखा जाए हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई इनका बराबर बराबर वर्चस्व है। क्रिश्चियंस का पुराना मान मर्तबा अभी तक भी कायम है। मुसलमानों ने 1000 साल राज्य किया है हिंदुस्तान में, उनका वर्चस्व भी अभी तक कायम है। बौद्ध धर्म भले विदेशों में जाकर के स्थापन हुआ तो भी हिंदुस्तान में उनका वर्चस्व है। दिल्ली एक ऐसी राजधानी है जहां सभी धर्मों के लोग बराबर बराबर हिस्से पर लगभग फैले हुए हैं। अब दिल्ली को सभी फॉलो करते हैं। वो ठीक है बाबा, अभी 33 करोड़ से भी अभी जो प्रेजेंट बना स्थूल रूप में हिंदू दिख रहा है 33 करोड़ से भी ज्यादा है इंडिया में, उसमें भी दूसरे विधर्म में घुसे है। हाँ जी, जो अपने धर्म के पक्के हैं वो भी घुसे पड़े हैं। और जो कन्वर्ट होने वाले हैं वो भी घुसे पड़े हैं। जैसा हमें हमारा ब्राह्मण परिवार में घुसा है। हाँ जी हाँ जी, बाहर की दुनिया का छोटा रूप देखना हो तो बीके में देख लो, और बीके की दुनिया का छोटा रूप देखना हो तो एडवांस में देख लो, एडवांस का भी छोटा रूप देखना हो तो 4.5 लाख में देख लो। सारी दुनिया के बीच इसमें भरे पड़े हैं, उनका भी छोटा रूप 1 लाख में है। जो रुद्रगी रचते हैं 1 लाख शालिग्राम बनाते हैं, उनका भी छोटा रूप देखना हो। तो 16,000 में देख लो। यथा राजा तथा सारी प्रजा, और उनका भी छोटा रूप देखना हो तो ब्रह्मा की 1000 भुजाओं में देख लो, और उससे भी छोटा रूप देखना हो तो 108 में देख लो, उससे भी छोटा रूप देखना हो 8 में देख लो, और 8 का भी छोटे से छोटा रूप अगर बुद्धि है, विशाल बुद्धि बाप को पहचानने की, तो 1 बाप में सारा जगत समाया हुआ। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो, उस 1 में सब कुछ समाया हुआ है। और स्वर्णम संगम युग और सत्युग है, स्वर्णम संगम युग और सत्युग दोनों को नई दुनिया कहा, नई दुनिया। हाँ, तो मतलब स्वर्णम संगम युग भी होता है और सत्युग भी। सत्युग तो फिर भी पुरानी दुनिया कहेंगे थोड़ी, क्योंकि वहां से गिरती कला शुरू हो जाती है, और संगम युग तो नए से नया होता जाएगा। और 56 में जब दादा लिख रहे थे उनका जो पासवर्ड जो था 36 में 36 1936
है के टाइम की है, उस समय में उनके साथ जो पार्टनर जो था सेवक राम, वो भी उनके साथ बिजनेस के सिलसिले में उनका हमेशा जापान जाना होता था, वो भी कोबे शहर में। तो वहाँ से वो लोग हीरे जवाहरात कारपेट वगैरह वो चीज़ें मंगवाते थे। तो क्या ये कह सकते हैं कि वो ज्ञान का सूर्य जापान से चमक उठा, कलकत्ता और जापान से? अरे उस समय ज्ञान था क्या? 39 में ज्ञान था क्या? उनको जो साक्षात्कार तो कलकत्ते में है, उसका संपूर्ण आहुति हुई। साक्षात्कार की समझानी तो कलकत्ते में हुई ना कि जापान में हुई? कलकत्ते में हुई। और लेकिन बाबा बताया गया कि सेवक राम तो गरीब था, और ये सेवक राम जो था ये तो उनके पार्टनर के सिलसिले में जो था हीरे जवाहरातों का ट्रेडिंग करते थे, तो ये गरीब कहाँ से होगा? कौन? सेवक राम। सेवक राम गरीब कहाँ से होगा? क्यों, पार्टनर बाद में बना या पहले बना? नहीं, जब दुकान चालू हुई थी तब तो उसका नाम तो लकी रहा, लिख रहा। मुरली में तो आया है, मुरली की बात मानोगे या दुनिया वाली जो पड़ी हुई बातें हैं वो पहले मानोगे? मुरली में तो कहा है 10 वर्ष से रहने वाला, वो 10 वर्ष से बाबा की दुकान में काम करता था, माने सन 26 से। उससे पहले उसकी अपना धंधा था जो चालू नहीं था, वो सच्चा था। दादा लेखराज तो चालाक थे। क्रिश्चियन ज्यादा चालाक होते हैं या भारतवासी ज्यादा चालाक होते हैं? एक क्राइस्ट की या कृष्ण की राशि मिलाई जाती है। क्रिश्चियन से न ज्यादा सुखी होते हैं न ज्यादा दुखी होते हैं। कृष्ण की आत्मा भी सीढ़ी के चित्र में नजर दौड़ाओ, न ज्यादा दुखी होती है न ज्यादा सुखी होती है। 68 में ही शरीर छोड़ दिया, उस समय ज्यादा दुख थे क्या दुनिया में? ज्यादा दुख तो जब विनाश होगा ताबड़तोड़, चारों तरफ मौत का बाजार लगेगा हिंदुस्तान में, तब पता चलेगा कि अपरम अपार दुख क्या होते हैं। तो सीढ़ी के चित्र में दिखाया गया है ये ब्रह्मा वाली आत्मा तो खड़ी हुई है पुरुषार्थ में फिर भी, और राम वाली आत्मा तो बिल्कुल पड़ी हुई है कांटों की शैया पर। वो भारत के 84 जन्मों की कहानी है। जब विनाश होगा तब होगा अपरम अपार दुख। अभी तो सुखी ही सुख है। तो भी दुनियादारी छूटती नहीं है, फिर देखो कैसे दुनियादारी धड़ाधड़ छूटेगी, फिर बुद्धि में फटाफट बैठेगा कोई संबंधी हमारा नहीं, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तब समझेंगे कि दुनिया अपरम अपार दुख वाली है। अभी थोड़े ही समझते हैं, बोलते हैं सिर्फ। एक ही ट्रेन चलेगा आपके घर से चलेगी? ठीक है, 4.5 लाख के लिए या 16,108 के लिए? इस पहली ट्रेन पर जिनको सवार होना होगा वो सेफ्टी से पहुंचेंगे तो सेफ्टी वाले सूर्यवंशी होंगे या दूसरे वंश के होंगे? सूर्यवंशी होंगे, 4.5 लाख में से ही होंगे। सूर्यवंशी 2.25 लाख? 2.25 लाख क्यों? चंद्रवंशी से आता है, चंद्रवंशी से आता है समाज आता है, लेकिन सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला कहा जाता है क्या? है लक्ष्मी को सूर्यवंशी कहेंगे या चंद्रवंशी कहेंगे? है चंद्रवंशी कहेंगे लक्ष्मी को,
सूर्यवंशी कहेंगे और तो सही जिस करोड़ देता है बाद में उनका क्यू भी लगती है ना, वो कैसे आते हैं? 33 करोड़ की क्यू लगने की बात नहीं है। अबू रोड से माउंट अबू तक क्यू लगी हुई है? 33 करोड़ तो सारी दुनिया में फैले हुए हैं, उनमें से तो बहुत से तो नास्तिक के बीज होंगे, वो नास्तिक वाले भी होंगे। जब सतयुग त्रेता में ही 10 करोड़ आ पाते हैं तो माउंट आबू कहाँ से पहुँच जाएंगे 33 करोड़? भक्त लोग फिर तो आते हैं, दर्शन करते हैं, भक्त लोग के हिसाब से आते हैं। हाँ जी, भक्तों ने कहा जाता है जो भागते रहते हैं इधर उधर इधर उधर, एक जगह टिकते नहीं, जिनकी बुद्धि भागती रहती है, जो एक जगह टिक जाती है जिनकी बुद्धि, उनको ज्ञानी कहा जाता है। तो पहली डायनेस्टी जो संगम युग की है वो ज्ञानी तू आत्माओं की माला है। साढ़े 4 लाख की क्यों लगेगी? 4.5 लाख वहाँ रहने वाले होंगे, क्यों लगने वाले? तो जो सत्युग त्रेता में जो भी आएंगे वो 10 करोड़ के। हाँ जी, विजयमाला वाला को रानी आत्मा कहा जाता है। हाँ, तो वो जन्म जन्म की रानी है, ठीक है। तो कोई सब थोड़े ही बनेंगे जन्म जन्म आज तक की रानी है? नहीं, सब नहीं है, नंबर वार है। तो अभी त्रेता युग में पहला जन्म में तो वैष्णव देवी है, वो राजा बन जाता है ना, ठीक है। तो फिर वो सब रानी आत्माएं है, वो कैसा राजा बन जाते हैं त्रेता युग में? क्या त्रेता युग का पहला जन्म में राम जो वैष्णव देवी है वो राम बन जाता है, प्रजापिता सीता बन जाता है, तो राजा की गद्दी ले लिया तो में। तो और जन्म नहीं है उसके बाद स्त्री के? नहीं, और जन्म तो है। तो फिर तो पहला नंबर का जो मंडा है वो त्रेता युग में ही राजा बन गया ना, तो उसे नंबर बाद फिर दूसरे भी बन सकते हैं ना। हाँ, तो फिर उसको पर्टिकुलरली रानी आत्मा या कैसे वो सतयुग त्रेता की बात नहीं है, सतयुग त्रेता में इतने राजा रानियां नहीं होते हैं। ये सारी बात आती है 63 जन्मों की। हाँ जी, छोटा छोटा राज्य बन गया। हाँ, बाबा सत्युग में बताया गया कि बच्चों का जो जन्म होगा वो सहज जन्म होगा और उनको गर्भ महल होगा, यानी उनको कोई परेशानी नहीं होगी, उसका यहाँ पर क्या प्रूफ होगा? है उसका यहाँ पर क्या प्रूफ है? तो बच्चा रोता हुआ नहीं पैदा होता है? नहीं, वो नहीं, मैं सहज जन्म की बात कर रहा हूँ। सहज जन्म की बात कर रहा हूँ। तो रोता हुआ तो सहज हुआ? नहीं, माता भी तकलीफ से रहती है या सुख में रहती है? तकलीफ से रहती है। तो फिर दोनों को भी दुख है, जन्म देने वाले को भी दुख, लेने वाले को भी दुख, और जो बीज डालने वाला बाप है वो भी ढुल हो जाता है। नहीं बाबा, उनका प्रश्न है सत्ययुग में सुखी जन्म होता है। हाँ, सुखी जन्म होता है। शूटिंग यहाँ कैसा होता है? ये अभी हो नहीं रही है ब्राह्मण जन्म की शूटिंग, जब हम किसी को ज्ञान देते हैं और ज्ञान लेने वाला अगर सच्चा है तो खुशी में आता है कि नहीं आता है? दो बातें सुनता है और एक खुशी में लबालब हो जाता है। आपका वंश है तो आ जाता है। पैदाइश अच्छी हुई ना। सबसे श्रेष्ठ जन्म कौन सा जन्म है? वैश्य, देवता या ब्राह्मण या शूद्र? ब्राह्मण जन्म सबसे श्रेष्ठ जन्म। बाबा जो प्रश्न पूछते हैं वो बाप को पहचान नहीं देते हैं ना, तो जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो बाप को सही प्रश्न भी दो तरह से पूछा जाता है। एक होता है अपनी जिज्ञासा और दूसरों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए,
और एक प्रश्न होता है विरोधाभास करने के लिए, आपने इस मुरली में ऐसे कहा था और ये बात तो ऐसे है। सीधा ही आक्षेप साबित हो जाता है। बहुत लोग इसी कारण बहुत प्रश्न नहीं पूछते हैं। आप जब मुरली में नहीं पूछते हैं तो भी अपना नुकसान करते हैं। कचरा अंदर भरा रहेगा तो वो बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। और ये सड़ांध मारता रहेगा वो, कोई अपने अंदर ही अंदर ही जला देते। कैसे जला देंगे? योगा में। अगर इतना ही जलाने की ताकत हो फिर पोता मिल देने की क्या जरूरत है? बाबा ने तो कहा भरी सभा में सबके सामने अपना पोता मिल दे दो, कचहरी लगाओ। फिर कचहरी अभी नहीं हो रही, पोता मिल दे रहे हैं, ये कचहरी नहीं है। सब आपके आगे आकर सब स्वीकार करेंगे हम गलती कर रहे हैं, वो गलती है सब सभा के सामने। अरे ये ढेर सारे रावण के सर इकट्ठे होते हैं तो ये पोता मिल नहीं आ जाता है? पोता मिल तो आपको आ रहा है रूप में, लेकिन सबके सामने आ रहा है। प्रश्न जो पूछते हैं तो समझ में आ जाता है। हाँ, वो सबके सामने समझ में आ जाता है ना। और रावण संप्रदाय तो सारी दुनिया है। शिव जब आते हैं, आने से पहले सारी दुनिया रावण संप्रदाय है या कोई राम संप्रदाय भी है? स्वयं राम ही अंत में रावण होता है। तो कौन बच गया रावण बनने से, रावण संप्रदाय बनने से? हाँ जी। और संगम युग में संगम युग कितने साल चलते हैं? कितने साल चलते? जब से बाप की प्रत्यक्षता संसार में हो जाए, सतोप्रधान संगठन की शुरुआत हो जाए, स्थापना हो जाए, राजधानी स्थापन हुई और फिर राजधानी के अंदर जो भी होंगे उनके लिए स्वर्णिम संगम युग। बाकी जो बाहर हैं तो बाहर की दुनिया है। धीरे धीरे राजधानी बढ़ती जाएगी, बढ़ते बढ़ते 4.5 लाख भी हो जाएगी। रावण ने जो राम इज रावण बनता है करके बोलते हैं ना उसका। हाँ जी, महापापात्मा कौन होता है, राम या रावण है? रावण होता है। तो रावण हरेक आत्मा जब तमो प्रधान बनती है तब रावण कही जाती है। यह सतो प्रधानते की स्टेज में रावण है। जब तमो प्रधान बनती है तो रावण संप्रदाय। तो राम वाली आत्मा भी कभी अति तमो प्रधान 100% बनेगी या नहीं बनेगी? सबसे पहले बनेगी या सबसे बाद में बनेगी? सबसे पहले। फिर इस्लाम धर्म की जो बीज रूप आत्मा है वो कब रावण संप्रदाय बनेगी? जल्दी जल्दी पतन इस्लामियों का होता है या सनातन धर्मियों का होता है? क्यों इस्लामियों का क्यों होता है? क्योंकि उनमें काम विकार ज्यादा होता है। देवान तो चंद्रवंशियों में सबसे जास्ती होता है। चंद्रवंशियों का मुखिया है चंद्रमा, लेकिन काम विकार इस्लामियों में जास्ती होता है। तो जास्ती गिराने वाला कौन सा है? काम विकार। तो कामी इस्लामी में जो बीज रूप आत्मा है वो पहले पहले तमो प्रधान बनती है अति की। द्वापर युग खत्म होते ही वो आत्मा पहले तमो प्रधान बने। और इस दुनिया की जो भी सबसे जास्ती तमो प्रधान आत्मा होती है त्रेता के अंत में, उसमें इब्राहिम प्रवेश कर जाता है। कोई आत्माएं होती है
जल्दी ही तमो प्रधान बन जाती है, और कोई आत्माएं होती हैं लंबे समय के बाद तमो प्रधान बनेंगी। तो सूर्यवंशी लंबे समय के बाद तमो प्रधान बनते हैं, और चंद्रवंशी जल्दी तमो प्रधान बनते हैं। इस्लामवंशी सबसे जल्दी तमो प्रधान बनते हैं। तो राम वाली आत्मा का नंबर कहां लगना लगेगा? सबसे लास्ट में लगेगा। वो जितना तमो प्रधान होगा उतना दुनिया में और कोई भी तमो प्रधान नहीं कहा जा सकता। और बाबा जो ईश्वरी सेवा में लगे रहते हैं उनको भी नीचे गिरते हैं? वो धीरे धीरे नीचे गिरेंगे, क्योंकि बाप उन बच्चों को याद करता है। तो बाहर वाले तो गिर रहे हैं तो ईश्वरी धंधा नहीं कर रहे, लौकिक धंधा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो ज्यादा नीचे गिर रहे हैं। बाप उनको याद नहीं कर रहा है, जो बाप की सेवा में लगे हुए हैं बाप उनकी सेवा करता है, उनको थामता है। उनकी गिरना क्यों ऐसा? किनका? किनका गिरना? अष्टदेव का गिरना? कम सेवा करेंगे तो गिरेंगे नहीं? नहीं, बाप को तो अंतिम शर्म तक सहयोग दे रहे हैं ना? एक जैसा सहयोग देते हैं कि नंबर वार है? तो नंबर वार में जो अव्वल नंबर होगा उसकी अव्वल नंबर सेवा करेगा। बाप तो जैसा पुरुषार्थी वैसी उसकी प्राप्ति कराता है, उतना ही सहयोगी है। और ब्रह्मा भवन यहाँ शूटिंग फिल्म में सबसे ज्यादा जनन मनन नक्षत्र में आता है, ये ब्राड ड्रामा में कैसे लागू होती है? सबसे जास्ती निश्चय निश्चय के चक्र में ब्रह्मा की सोल आती है, तो ब्राड ड्रामा में भी सबसे जास्ती और धर्मों के चक्कर में कौन सी आत्मा आवेगी? माँ सबसे जास्ती प्रभावित होती है या बच्चे जास्ती प्रभावित होते हैं? माँ सबसे जास्ती प्रभावित होती है। और क्रिश्चियन बुद्धिज्म ज्ञान के बारे में सुनेगा? सुनेगा इच्छा है। क्रिश्चियन और बहुत ही लोग ज्ञान को सुनेंगे क्या? ईश्वरी ज्ञान को सुनेगा क्रिश्चियन लोग? अगर सुनते नहीं है तो बाप को प्रत्यक्ष कैसे कर देते हैं? भारतवासी बाप को प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, और विदेशी विदेशी बाप को प्रत्यक्ष कर देते। विदेशियों में मुख्य हैं इस्लामी और क्रिश्चियन। इस्लामियों की तो बुद्धि ठर होती है, और क्रिश्चियंस की बुद्धि तो उतनी ठर नहीं होती है, वो तो हर बात की गहराई को पकड़ते हैं। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म बाप को भी पहचान लेते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि क्रिश्चियंस जो हैं ज्ञान में पीछे हैं। और बाबा अभी धर्मस्थापक आत्मा ये ज्ञान में आ गया? अभी क्यों आएंगे? अभी जो आधार मूर्त नारायण वाली आत्माएं हैं उन्होंने बाप को पहचान लिया? कृष्ण वाली आत्मा ने पहचान लिया? जो अव्वल नंबर का धर्म पिता है, देहधारी धर्म गुरु, दुनिया का सबसे बड़ा अव्वल नंबर का देहधारी धर्म गुरु कौन? उसी ने नहीं पहचाना तो दूसरे धर्म पिताओं का नंबर बाद में लगेगा या पहले लगेगा? वो बीके में तो आगे होंगे, वहां भी नहीं आया। बेसिक ज्ञान के सार को भी ब्रह्मा बाबा ने पहचाना है, ज्ञान तो वो ही है लेकिन मुख्य बात तो समझने की है ना। रट्टू तोता बनने से तो फायदा नहीं है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है, चारों तरफ हवा फैला दी,
फिर कोई भी अगर पूछ लेता है सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है, तो कहेंगे व्याप बुद्धि में बैठी है सर्वव्यापी की। तो जो मुख्य धर्म पिता है उसी की बुद्धि में नहीं बैठा, तो और जो धर्म पिताएं हैं, देहधारी धर्म गुरु हैं, धर्म पिताएं हैं, उनकी बुद्धि में कैसे अभी बैठ जाएगा। एडवांस में तो नहीं आए होंगे, बीके में तो आ गए होंगे दूसरे धर्म, न बीके में आ जाएंगे, नंबर वार कंप्लीशन होगा ना। इस्लाम धर्म के जो पक्के हैं कभी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होते, जब तक उनका धर्म पिता ज्ञान में न निकले, बाप को न पहचाने, तब के तो उनके फॉलोअर्स भी बाप को नहीं पहचान सकते, माँ को पहचान सकते हैं, माँ को पहचान सकते हैं, विदेशी तो माँ को मानते ही नहीं है। वो धर्मस्थल भगत में डायरेक्ट वो एडवांस में आएंगे। हाँ जी, और एक दूसरी में बताया गया था कि तीसरा अष्टदेव जो है इस्लामी धर्म का बीज है। हाँ, और इस्लामी तो विदेशी ढेर है, इस्लामी तो विदेशी ढेर है ना। हाँ हाँ, और भारत का विदेश तो है दक्षिण भारत है, और इसलिए भी सबसे ज्यादा इस्लामियों का तैनात तो हैदराबाद में है, तो क्या उस धर्म का बीज जो अष्टदेव का जो बीज होगा वो वहीं से निकलेगा? ना भी नहीं कर सकते और पक्का पक्का हाँ भी नहीं कर सकते। ना इसलिए नहीं कर सकते, इस ज्ञान का फाउंडेशन सिंध हैदराबाद से पड़ता है, आदि होती है हैदराबाद से, तो अंत होने में भी दक्षिण हैदराबाद का विशेष हाथ है, और जब मरेंगे तो पहले कौन से धर्म वाले मरेंगे? इस्लामी मरेंगे, दुनियादारी में इस्लामियों ने पहले जन्म लिया है, दुनियादारी बनाने वाले भी इस्लामी हैं, तो उस दुनियादारी से मरने वाले भी पहले इस्लामी हैं, जो जीते जी मरेंगे उनमें फिर एडवांस वाली आत्माओं का नंबर है, उनमें बीज रूप आत्माएं भी हैं, तो इनकार भी नहीं कर सकते। और आर्य समाज धर्म में सबसे पहले राजा की स्थापन करने वाला कौन? आर्य समाजियों में राजाएं कहाँ होते हैं? जो स्थापना करता है वो पालना भी करता है, स्थापना करने वालों में है महर्षि दयानंद, तो पालना भी कौन करेगा? वही करेगा, लेकिन उनकी भी राजधानी स्थापन करने में बाप ही निमित्त बनता है। कोई भी प्रकार की राजाई बच्चे स्थापन नहीं कर सकते। कौन सा पात्र से है? कौन सा पात्र से शुरू हुआ? कौन सा पात्र? हाँ, ऐसा राजाई पद शुरू हुआ आर्य समाज में, उसमें राजाएं होते ही नहीं है, मंत्री का पद। हाँ, पहला भारत के हिसाब से देखा जाए तो बाकी चरण में तो मालूम नहीं है नेहरू कौन होता है, नेह की रूह है? कौन है नेह की रूह? इस नेह की रूह कौन है? प्रजापिता, वो भक्ति मार्ग का नेहरू है, वो ज्ञान मार्ग का नेहरू है। और वो आत्मा तो अलग है, भक्ति मार्ग का नेहरू अलग होगा, भक्ति मार्ग का गांधी अलग, और ज्ञान मार्ग का गांधी अलग, माना इनका ग्रुप वाले होंगे, इनका ग्रुप वाले होंगे। हाँ जी, और बाबा अंग्रेजी में स्त्री को वुमन बोलते हैं बाबा है, तो उसको संपूर्णता जब आएगी जब वो पुरुष के साथ संबंध लगाने
वुमन बोलते हैं बाबा, वुमन बोलते हैं ना, WOMEN। तो जब तक वो अकेली रहेगी तो खाली वो बोलेगी, तो मेन नहीं है ना साथ में। संपूर्ण स्थिति कब बनेगी बोलते हैं, स्त्री का, स्त्री की परिपक्वता कब आएगी और पुरुष की परिपक्वता कब आती है, दोनों एक दूसरे से ही परिपक्व बनते हैं। और स्त्री नहीं आए तो स्टेज कर सकते हैं, जब तक वो स्टेज नहीं आए तो पवित्रता का कारण, वो स्टेज लाने के लिए भी तो दोनों चाहिए ना, स्त्री भी चाहिए तो पुरुष भी चाहिए। स्त्री नहीं है सिर्फ पुरुष है तो पवित्रता का फाउंडेशन पड़ ही नहीं सकता, और पड़ेगा भी तो दिखावे की पवित्रता है। हाँ जी, और प्रकृष्ट का मतलब सिर्फ पावरफुल या प्रथम भी हो सकता है, अति तीव्र। जगदम बैक तीन जन्म स्त्री आई बाबा है, एक सीढ़ी पर लिया था ही होगा है, तीन जन्म स्त्री होगा जगदम बैक को, एक सीढ़ी पर क्लियर नहीं होगा। जब 47 में शरीर छोड़ा तो एक जन्म 47 से पहले हुआ या नहीं है, जब पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना, तो तुम्हारा जब बोला है तो किससे बोला, दोनों के लिए या ये के लिए बाबा, दोनों के लिए बोला, दोनों के लिए हा? लेकिन दोनों में से एक तो 47 में जन्म लेकर के अभी भी जीवित है, अभी भी जीवित है, तो उसकी तो बात ही नहीं, जरूर उसकी बात है जो 47 में जन्म लेकर के फिर दोबारा जन्म ले गया। तो मुरली में तो बोला है, कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो संगम युग में तीन जन्म भी लेते हैं। तीन जन्म भी स्त्री बनी, अरे एक जन्म में स्त्री, एक जन्म में पुरुष, बहुत में बहुत करके लगातार दो जन्म स्त्री अथवा दो जन्म पुरुष के ले सकते हैं, तीसरा जन्म जरूर बदल जाएगा। जगदम बैक को 47 के पहले भी वो स्त्री था, 47 के बाद भी वो स्त्री है, ये क्या प्रूफ, बीच का पुरुष का, इसका क्या प्रूफ, बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई कैसे मान लेगा। हाँ ये तो साबित होता है मुरली के प्रूफ के अनुसार कि तीन जन्म स्त्री के लगातार नहीं हो सकते, तो जगदम्बा का पहला जन्म स्त्री का, संगम युग में तीसरा जन्म स्त्री का, तो बीच का जन्म जरूर पुरुष का होगा। हाँ जी, पुरुष होने के बाद स्त्री पुरुष होता है, स्त्री पुरुष होता है, अगला जन्म में पुरुष जन्म लेता है ना स्त्री, तो स्त्री स्वभाव छोड़ करके पुरुष स्वभाव कैसा आ जाता है। अरे जब स्त्री का जन्म है, सारा जन्म काम विकार प्रधान होने के कारण किसको याद किया है, पुरुष को याद किया है, तो सारा जन्म याद किया है तो अंत समय कौन याद आएगा, पुरुष याद आएगा, तो अंत मते सुगते, पुरुष का जन्म मिलेगा। स्वभाव ऐसे चलता है, स्वभाव के चेंज होता है, स्वभाव पुरुष का स्वभाव आता है, पुरुष स्वभाव आता है, स्वभाव स्वभाव, अरे जिसको अंतिम समय में याद करेंगे वो ही गति मिलेगी ना। हाँ जी,
तो जन्म लेने के बाद भी माँ बाप सिखाएगा ना आप पुरुष है आप स्त्री है क्या हैं? वाइब्रेशन से या माँ बाप से भी सिखाया जाएगा ना ये आप मेल है फीमेल है क्या माना वो भाई जो कुछ रहे हाँ। तो बचपन से माँ बाप भी सिखाते हैं ना वो जो कन्या को ऐसा रीति रहना है पुरुष को ऐसा रीति रहना है सिखाता है ना वो स्वभाव कैसा आता है खुद रहना इसलिए जानवर का बच्चा है जन्मते ही उछलने लगता है गाय का बच्चा उस बच्चे को पानी में डाल लो तैरने लग पड़ेगा कोई सिखाता है क्या नहीं ये जन्म जन्मांतर के स्वभाव संस्कार होते हैं जब स्त्री चोला मिलता है तो स्त्री के स्वभाव संस्कार जन्म जन्मांतर के अनुसार स्वतः ही धारण कर लेती है आत्मा चोला धारण किया और वो स्वभाव संस्कार धारण हो गए संकर अंग भी होता है हाँ जी संकर अंग होता है इसीलिए तो हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं और बाप का पहला जन्म 76 में गिने जाते हैं या 18 से गिने जाते हाँ जी नारायण का पहला जन्म मुरली में क्या बोला एक्स्ट्रॉर्डिनरी जन्म 76 में होता है मुरली में तो यही बोला है लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए तो कौन सा सन आया 76 आया 76 से लेकर के और 150 साल और जोड़ दो कितना आया 42 से लिया जाए तो 2125 2125 अरे 76 में 150 वर्ष और जोड़ दो 2125 उसके बाद ही शरीर छोड़ेगी वो आत्मा उससे पहले शरीर नहीं छोड़ सकती क्योंकि जो संगम युग के राजयोगी हैं वो बड़े से बड़े योगी हैं जो सत्युग में प्रारब्ध पाने वाले हैं उनके मुकाबले कम योगी हैं जो सत्युग में दूसरा जन्म लेंगे परमधाम से आकर के वो तीसरे नंबर के हैं तो जो जितना बड़ा योगी उतनी लंबी आयु होगी और मंगलवार किसका वार है मंगल भी तो एक ग्रह है उसका रंग लाल दिखाते हैं हनुमान का भी रंग कैसा दिखाते हैं है? लाल दिखाते हैं और भक्ति में सोमवार को शिव पूजा के लिए श्रेष्ठ मानते हैं वेद में कोई भी बार शिव बाप या प्रजापिता बाबा के ऊपर नाम नहीं रखा है तो सोमवार और शिव पूजा का वेद में क्या अर्थ है सोम माने क्या चंद्रमा कौन सी आत्मा है ब्रह्मा की आत्मा द्वापर में जब पूजा शुरू होती है
तो क्या बनती है, है? पहला पहला पुजारी कौन बनता है? ब्रह्मा की सोल, सोम, चंद्रमा। शिव पूजा का कनेक्शन पूज्य और पुजारी से है। पूज्य कौन हुआ और पुजारी कौन हुआ? पुजारी हुआ ब्रह्मा, पुजारी हुआ ब्रह्मा बाबा। और पूज्य कौन हुआ? है शिव बाप। तो न पूज्य बनता है न पुजारी बनता है, शिव बाबा। हाँ, इस शक्ति पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। तो जो प्रजापिता है वो ही द्वापर के आज में लिंग के रूप में पूजा जाता है। उस लिंग में भी द्वापर के आज में इतनी स्मृति रहती है कि वो स्टार के रूप में हीरा जड़ा हुआ था, वो शिव बाबा हुआ। उसको सोमवार कहा गया है क्योंकि पहली पहली पूजा किसने की? ब्रह्मा बाबा ने की। पहले पहले भक्त के रूप में अर्पण कौन हुआ? ब्रह्मा की सोल। ब्रह्मा माता है या पुरुष है? माता है। तो पिता की पत्नी कौन? माँ। पहले पहले अर्पण होने वाली कौन हुई? ब्रह्मा। तो सोमवार कहा जाता है, सोमवार के दिन खास शिव के ऊपर लोटी चढ़ाते हैं। श्रावण के महीने में सोमवार के दिन खास पूजा की जाती है। लोटी उसे कहा जाता है जिसमें पानी ज्यादा है और दूध थोड़ा है।